कर लिया है। बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप पर पीएम पैकेज के तहत यहां के युवाओं को भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। साथियों, किसानों का हित, किसानों की आय बढ़ाना, ये भाजपा की प्राथमिकता है। झारखंड भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी फैसला लिया है। कितना कितना 3,100 कितना कितना हर किसान के घर जाके बताओगे? पक्का बताओगे? छोटे और सीमांत किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए भी आर्थिक मदद की योजना घोषित की है। यही नहीं, आदिवासी परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए भी अनेक अच्छी घोषणाएं की गई है। हर आदिवासी ब्लॉक में केदू पत्ता, महुआ और मशरूम जैसे उत्पादों से जुड़ी प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता बनाई जाएगी। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए भाजपा एनडीए सरकार पूरी ताकत से काम करेगी और ये मोदी की आपको गारंटी है। साथियों, आजकल अफवाहें फैलाना इसका एक बड़ा उद्योग चल पड़ा है। कुछ लोग भांति भांति की दुकानें खोल करके बैठे हैं, वो अफवाह फैलाने का माल बेच रहे हैं। आपको ऐसी किसी भी अफवाह में नहीं आना है। मुझे याद है जब मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2018 में, तो ये जेएमएम वालों ने यहां के गांव गांव जाके किसानों से झूठ बोला। और क्या बोला उन्होंने? कहा देखिए, ये मोदी अभी पैसा भेज रहा है ना, वो खाते में मत डलवा देना, इससे मत जुड़ना, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद मोदी ये पैसा ब्याज समेत तुमसे वापिस ले लेगा। ऐसा झूठ चलाया और मेरे भले भाले गांव के किसान भाइयों ने मोदी जो पैसा भेजता था लेना मना कर दिया। बोले हम नहीं चाहिए, हमको पैसा देना पड़ेगा। जब दोबारा 19 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब जाकर के सच का पता चला कि जेएमएम वाले कितना झूठ बोलते थे। इस बार भी रोज नए नए झूठ फैलाने का काम। एक परिवार दिल्ली में धंधा करता है, दूसरा इधर झारखंड में करता है। मुझे खुशी है कि आज पीएम किसान सम्मान निधि के 600 करोड़ रुपए कितने
ये आंकड़े इतने बड़े हैं ना, याद रखोगे तो सामने वाली की आंखें खुल जाएगी। कितने, ये 600 करोड़ का क्या किया बताऊं? बताऊं क्या किया? आपको सुनकर के आपको भी आश्चर्य होगा, अकेले अपने गढ़वा जिले के जो किसान है, जिनको हर महीने हर साल जो मैं 2-2 हजार करके 3 बार 6 हजार रुपए भेजता हूं ना, अकेले गढ़वा जिले में हमारे किसानों के खाते में मोदी ने 600 करोड़ रुपया भेजा है। 600 करोड़। इसलिए कहता हूं, याद रखोगे? याद रखोगे? कितना कितना? साथियों, आजादी के बाद ही कांग्रेस की राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है जनता से झूठ, जनता को धोखा। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। अभी ताजा ताजा हरियाणा ने भी इनको सबक सिखाया है। वहां भी इन्होंने झूठ फैलाने की बहुत कोशिश की थी। महिलाओं, किसानों, नौजवानों, एससी, एसटी, ओबीसी सभी को कुछ न कुछ झूठ बेचने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा वालों ने इनके झूठ को टिकने नहीं दिया। कांग्रेस और उसके साथी जहां जहां भी झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, उस राज्यों को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन्होंने हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही दमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी, इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? साथियों, झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है, अगर कोई अपनी काबिलियत से आगे बढ़ भी गया तो
तो उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये भी हमने देखा है। हमारे चंपई सोरेन जी के साथ इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने एक आदिवासी बेटे को अपमानित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जिनके लिए अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं है वो झारखंड के आप सभी लोगों की परवाह कैसे करेंगे भला। इसलिए झारखंड के हर नौजवान से कहूंगा, ऐसे स्वार्थी दलों को अच्छे से सबक सिखाना है। भाइयों बहनों, जब मैं कहता हूं कि मेरा अपना परिवार हो या न हो, लेकिन आप सब मेरा परिवार है, मेरी बात में आपको सच लगता है कि नहीं लगता है, क्या मैं आपके लिए जीता हूं कि नहीं जीता हूं, क्या मैं आपके लिए दिन रात काम करता हूं कि नहीं करता हूं, मैं दिन रात आपके लिए सोचता हूं कि नहीं सोचता हूं, इस देश के किसी नागरिक को इस बात में शक नहीं है। मेरे लिए सब कुछ 140 करोड़ मेरे देशवासी है, उनके लिए सब कुछ उनका अपना परिवार है। साथियों, आप भी जानते हैं भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। भ्रष्टाचार सबसे अधिक गरीब को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को सबसे ज्यादा दुखी करता है, बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है, नोटों के पहाड़। क्या निकलता है कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़ क्या निकलता है। मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी, मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। और ये पैसा किसका था भाई, ये पैसा किसका था, ये पैसा झारखंड के लोगों का था कि नहीं था, ये पैसा झारखंड के नौजवान का था कि नहीं था, ये पैसा झारखंड की बेटियों का था कि नहीं था, ये पैसा झारखंड के गरीबों का था कि नहीं था, ये पैसा झारखंड के आदिवासियों का था कि नहीं था, ये पैसा झारखंड के मेरे किसान भाइयों का था कि नहीं था। लूट लिया, कहीं रोड बननी थी, कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी, सब कुछ लूट लिया। आपके हक का, आपके अधिकार का ये इन्होंने लूटा है,
कि आपका जेब काटने वाले लोग हैं। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। हमने हर घर जल पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना बनाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा, लेकिन यहां जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने वो पैसा भी क्या किया, क्या किया, और अपनी तिजोरी में भर लिया। देश में जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां अनेक राज्यों में हर घर जल अभियान बहुत सफलता से चल रहा है। लेकिन झारखंड में हमारे प्रयासों के बावजूद भी, ढेर सारे पैसे भेजने के बावजूद भी, घर घर नल पहुंचाने का काम ठप पड़ा है। और अभी आपके सब नेता बता रहे थे भाषण में कि मोदी जी, गढ़वा को पानी मिल जाए ना, गढ़वा को पलायन रुक जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं। साथियों, मैं जिस गुजरात से आता हूं, उस गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र ऐसे ही पानी की मुसीबत में जीता था। पानी की ट्रेनें भेजनी पड़ती थी, वो हाल था। जब 2001 में वहां के लोगों ने मुझे काम दिया मुख्यमंत्री का, मैंने पानी के पीछे पड़ गया। मैंने कहा मैं पानी पहुंचा के रहूंगा, और बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। वर्षा की एक एक बूंद पानी रोकने का अभियान चलाया, मरी पड़ी नदियों को जिंदा करने के लिए लोगों को लगाया। और जिस कच्छ और सौराष्ट्र से पलायन होता था, आज पानी तार बन गया और लोग वापिस आने लग गए। भाइयों बहनों, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो ना, तो मेरे गढ़वा भी पानी तार बन जाएगा। और एक बार पानी पहुंचा तो पलायन तो रुकेगा, जो पलायन होके गए ना, वो भी वापिस आ जाएंगे। दोस्त, जन भागीदारी से वर्षा की एक एक बूंद बचाकर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आज एक क्षेत्र बालू तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। बालू बोलते ही आपको सब दिखाई दिया। सच्चाई ये है कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है, और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। यहां पर काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है। साथियों,
जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना-बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे, एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे? साथियों, झारखंड का तेज विकास तभी संभव है जब यहां ऐसी सरकार हो जो केंद्र की योजनाओं को तेजी से लागू करे। ये लोग खुद काम करते नहीं और दूसरों को भी काम करने नहीं देते। दशकों तक इनके कुशासन का नतीजा झारखंड ने भुगता है। गढ़वा हो, पलामू हो, राज्य के ऐसे अनेक जिले हैं जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित कर रखा था। हमने यहां के विकास को प्राथमिकता दी। देश के जो अच्छे और युवा अफसर हैं उनको यहां तैनात किया। ऐसे जो हमारे आकांक्षी जिले हैं वहां अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, रोड, रेल, इंटरनेट, ऐसी हर सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। ये लोग कैसे योजनाओं में भी रोड़े अटकाते हैं, इसका उदाहरण उत्तर कोयल जलाशय मंडल डैम है। कई दशक पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ये समय पर बन जाता तो लाखों किसानों को इसका लाभ मिलता,
पानी के लिए तरसना न पड़ता। हमने इस परियोजना को गति देने का फैसला किया, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई, लेकिन यहां रोड़े अटकाने वाली जेएमएम सरकार बन गई। यहां जो डूब क्षेत्र के प्रभावित है उनके लिए पिछले साल ही हमने राज्य सरकार को स्पेशल पैकेज की मंजूरी दे दी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावितों को ये पैसा भी नहीं दिया, लूटने में लगे रहे। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही इस योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां अगर भाजपा सरकार रहती तो सोन कनहर पाइपलाइन सिंचाई परियोजना कब की पूरी हो चुकी होती। इसी तरह यहां जो चियांगकी एयरपोर्ट है, इसको हम सस्ती हवाई यात्रा वाली योजना उड़ान में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन यहां की सरकार इसमें भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। हमने पलामू और गढ़वा के लिए सोलर पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जेएमएम की सरकार लोगों को अंधेरे में रख रही है, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए जमीन नहीं दे रही है। यहां के नौजवानों को नौकरियां मिले, झारखंड का विकास हो, यही लोगों को मंजूर नहीं है। साथियों, भाजपा एनडीए विकास और विरासत दोनों को महत्व देते हैं। हम उन क्षेत्रों उन वर्गों के विकास पर विशेष बल दे रहे हैं जो अतीत में पिछड़ गए थे। हम आदिवासी क्षेत्रों का विकास भी कर रहे हैं और आदिवासी विरासत को भी पूरी शान से आगे बढ़ा रहे हैं। ये भाजपा ही है जो पूरे देश में आदिवासी परंपरा, कला, संस्कृति के लिए समर्पित 10 बड़े संग्रहालय बना रही है। रांची में जो भव्य संग्रहालय बना है उसके उद्घाटन का अवसर मुझे मिला था। कुछ दिन बाद ही धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस है। ये भाजपा एनडीए सरकार ही है जिसने धरती आबा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था। इस वर्ष का आयोजन तो और भी विशेष है। इस 15 नवंबर से अगले 2 वर्ष तक धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती के समारोह देश भर में मनाए जाएंगे। पूरा देश जनजातीय गौरव वर्ष का उत्सव मनाएगा, पूरा देश इसमें शामिल होगा, पूरी दुनिया भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी समाज के योगदान को जानने समझने लगेगी। साथियों, झारखंड का तेज विकास भाजपा की गारंटी है, एनडीए की गारंटी है। इसलिए मैं गढ़वा से पूरे झारखंड के भाई बहनों से आग्रह करूंगा, भाजपा के आजसू के जेडीयू और एलजेपी के उम्मीदवार जहां जहां है उनको भारी मतों से विजयी बनाए। हमें मिलकर झारखंड को विकास के उस सफर पर ले जाना है जो पूर्वी भारत के विकास को तेजी दे सके। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरा एक काम करेंगे, सबके सब लोग हाथ ऊपर करके बताएं, मेरा एक काम करेंगे, जरा जोर से बताएं, करेंगे,
घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। एक काम करना, हर परिवार में जाके कहना कि अपने मोदी जी गढ़वा आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। मेरा जोहार पहुंचा देंगे, मेरा राम राम पहुंचा देंगे। एक नौजवान बहुत बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं, हमारे सिक्योरिटी वालों से कहूंगा कि जरा वो चित्र उनसे लीजिए, जरा पीछे अपना पता लिख देना भैया, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, इसके पीछे अपना एड्रेस लिख देना, जरा ले लीजिए फोटोग्राफर, वो चित्र उनसे ले लीजिए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की।